किसी भी एनिमेशन को अगर तुम्हें डब करना हो तो तुम्हें किसी भी प्रोफेशनल सेटअप की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जरूरत है एक अच्छे से फोन की जिसमें काइन मास्टर वर्क कर सके। तो इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे तुम सिर्फ एक मोबाइल फोन का यूज करके प्रोफेशनल्स की तरह डबिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाके वोकल रिमूवर टाइप करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसे ओपन करके ब्राउज माई फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करके आपको जो भी सीन डब करना है उस सीन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेती है फाइल को प्रोसेस करने में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर म्यूजिक लिखा है, नीचे वोकल। हमें सिर्फ म्यूजिक की जरूरत है, वोकल तो हमारी खुद की यूज होगी, इनका तो कुछ कर नहीं सकते। हमें शायद से ऐसे आगे बढ़ना होगा। हम म्यूजिक को सेव कर लेते हैं और अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेप में आपको अपने काइन मास्टर को ओपन करके उस वीडियो को इंपोर्ट करना है जिस वीडियो को आप डब करना चाहते हो। हम अटैक ऑन टाइटन का 30 सेकंड का एक सीन डब करेंगे। हमने वोकल रिमूवर से इस वीडियो की जो म्यूजिक फाइल बनाई थी उस फाइल को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। उस म्यूजिक लेयर को ऐड करने के बाद हम इस वीडियो का ओरिजिनल ऑडियो म्यूट कर लेंगे। अब इस वीडियो में सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है और अब हम इस वीडियो को डब करेंगे। तो हम हमारे काइन मास्टर में आ चुके हैं और यही वो सीन है जो हम डब करने वाले हैं। डब करने से पहले हम कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है राइनर का, और राइनर की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा बल्की लग रही है, और ये जो डायलॉग बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाकर बोल रहा है। तो ये जब बोलेगा तो कुछ इस तरह से बोलेगा, हेलो मेरा नाम राइनर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइक के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट दबाएंगे। और एक वॉरियर होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियों को किसी भी कीमत पर, तो राइनर कुछ ऐसे बात करेगा। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है बर्टोल का, और बर्टोल भी काफ़ी एनर्जी लगाकर अपने डायलॉग्स को बोल रहा है। तो इसका आवाज़ उससे थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसकी आवाज़ थोड़ी सी पतली निकालने की कोशिश करेंगे। तो बर्थोल्ड अपने डायलॉग्स कुछ इस तरह से बोलेगा, राइनर क्या हमें अभी करने वाले हैं इसी वक्त। तो उसके बाद आर्विन का कैरेक्टर आता है जो कि भागते हुए एरन को वहाँ से हटने के लिए बोल रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ऊपर से हमको आवाज़ भी थोड़ी अलग निकालनी पड़ेगी। तो आर्विन की आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है और वो ये डायलॉग्स भागते हुए बोल रहा है, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शेक होगी। तो फिर से एक बार हम यहाँ पर माइक के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायलॉग्स बोलना स्टार्ट कर देंगे, वहां से दूर हटो एरन। ऐसे ही दो चार बार और कोशिश करने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट। और एक वॉरियर होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी को किसी भी कीमत पर पूरा करके रहूंगा। राइनर क्या हमें अभी करने वाले इसी वक्त। हाँ, हम इस चीज का फैसला अभी इसी वक्त करेंगे। तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट, और आप भी सिर्फ काइन मास्टर का यूज करके बहुत से एनिमे सीन्स को अच्छी तरीके से डब कर सकते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो करके कोई डबिंग वीडियो बनाया है तो कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ उस प्रोजेक्ट का लिंक छोड़ना मत भूलना। वैसे मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज है जो आपको सिखाएंगे हाउ टू डब ऑन योर फोन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे 8 मिनट से नीचे का कोई वीडियो आपको मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।